भारतीय सेना से जिसने भी टकराने की कोशिश की है उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के करहामा कुंजर गांव में शुक्रवार रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की भी खबर सामने आई है। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का था। गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को सील कर सर्च ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उन्हें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर ए तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर होगी। दूसरी तरफ राजौरी के कंडी जंगलों में शनिवार तड़के से मुठभेड़ जारी है। देर रात तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और एक जख्मी जवान का इलाज जारी है। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 5 जवानों में 2 हिमाचल प्रदेश, 1 उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।